अभी एक हमारे यहाँ दल है, अपने आप को मैं समझता हूँ राष्ट्रीय दल कहते हैं, राष्ट्रीय दल की छोड़कर वो क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय भी परिवार वाद। तीन बार लगातार यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष बने, अपनी कमेटी नहीं बना पाए। बेशक शोक तंवर जी है, बेशक हमारी बहन कुमारी शैलजा हो, और वर्तमान में भाई उदय भान जी। अभी कुछ मीडिया के माध्यम से इन्होंने हर जिले में एक एक उपजाता भेजा था, हमें जानकारी मिली। जब भी वहाँ उपजाते गए, वो जो कह रहे थे कि मैं प्रदेश की सेवा करूँगा, मैं देश की सेवा करूँगा, उससे ये लगता है कि वो सेवा नहीं, अपनी कुर्सी की चिंता ज़्यादा लग रही होगी। इससे हरियाणा की 2,70,00,000 जनता, कांग्रेस का चरित्र, कांग्रेस का चाल चलन दिख रहा है कि किस तरह आपस में वो गुत्थम गुत्थी हो रहे हैं। इसलिए कांग्रेस सिर्फ जनता की सेवा के लिए नहीं सोचती, ना जनता की योजना बनाती है। इसलिए आज जिस तरह का हरियाणा के अंदर दिख रहा है, और ग्रुपों में खड़ी कांग्रेस एक दूसरे को गुत्था गुत्थी कर रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, जो हमने आपके द्वारा देखा, वीडियो के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, प्रेस के द्वारा पता लगा। इसलिए जो मुझे लगता है, जो कांग्रेस की सोच है, अपने परिवार तक है, अपने अभी हमारे प्रदेश के अंदर हर विधानसभा के पन्ना सम्मेलन चल रहे हैं। उसी बीच में रोहतक जिले के मेरे 3 विधानसभा के पन्ना सम्मेलन हो चुके हैं। 17 तारीख को महम का पन्ना सम्मेलन है, उसके बाद अब हमारे 10 की 10 लोकसभा, हमारे शक्ति केंद्र विस्तारक, ये पहला एक हमने संगठन का विस्तार आगे बढ़ाया है। 10 की 10 लोकसभा में हमारे विस्तारक 9 और 10 शनिवार और 10 रविवार, 10 की 10 पार्लियामेंट में हमारे विस्तारक सुबह 11 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक हर लोकसभा में करीब करीब 9 विधानसभा के 500 विस्तारक, जिसमें मंडल अध्यक्ष, मंडल पालक, मंडल प्रभारी, ये भी रहेंगे, और 500 के लगभग विस्तारक भी रहेंगे। 9 तारीख को अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और सोनीपत, और 6 पार्लियामेंट आपकी फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, भिवानी और अपना हिसार और सरसा, इसमें सुबह 11 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक 5 सत्र होंगे, एक एक घंटे का। उसी बीच में रात्रि को भोजन के बाद वहीं रुकेंगे, फिर अगले दिन मान लो 9 तारीख को, 10 तारीख को सुबह 11 बजे विस्तारक लोकसभा की 9 विधानसभा के 6 दिन के लिए वो अपने घर से बाहर जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री जी की 9 साल की उपलब्धियां, जो एक बूथ पर 1,000 वोट हैं, 1,200 वोट हैं, 300 घर हैं, 400 घर हैं, उनसे संपर्क करेंगे, और देश के प्रधानमंत्री की जो बुकलेट है वो कार्यकर्ता घर घर देंगे। भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा लड़ेगी चुनाव, क्योंकि अजय सिंह नहीं जाना चाहिए, जिसको जाना जाए, परंतु मैंने कहा कि 10 की 10 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ेगी, ये हमारी राष्ट्रीय चुनाव समिति तय करेगी। वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी का एक उपाध्यक्ष होने के नाते ये कह सकता हूँ, 10 की 10 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी ही लड़ेगी। कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के आदमी हैं, जो कांग्रेस में जो लड़ाई हो रही है वो आपकी पार्टी पर लगा रहे हैं कि बीजेपी के आदमी बीच में घुसे। मारे बीजेपी के हैं तो पकड़ के वहीं बिठा लो, कितने रोका।
एक कमरे के अंदर मैं समझता मेरा बीजेपी वाला ताकतवर बहुत बढ़िया है, अगर उनके दफ्तर में जाके अंदर घुस के उनको मार रहा था मैं तो समझता और भी ताकतवर है। अगर बीजेपी का कार्यकर्ता अंदर जा रहा है इसका मतलब बीजेपी की ताकत और बढ़ गई।